खुले तौर पर यहाँ पर चेतावनी है कि आप लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सेड़म, अलंद, शाहपुर और दीगर जगहों पर एहतजाज हुए हैं। अब यादगीर में कल एहतजाज होने जा रहा है। बीदर में भी बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर काम हो रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं पॉम्पलेट प्रिंट कराकर एक महीने की मुहिम वहाँ पर शुरू की गई है। हजारों कॉल्स हमने यादगीर से रिसीव किए हैं। तो जो भी खवातीन संघ से परेशान यादगीर डिस्ट्रिक्ट में है ओवरऑल, और दीगर तमाम यादगीर के पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार जो खवातीन के लिए काम करने की फिक्र रखते हैं, तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि कल 3 बजे इस एहतजाज का जरूर हिस्सा बने। इसका मकसद बस इतना है कि खवातीन को संघ के नाम पर जो लोन देकर परेशान किया जा रहा है उसको उससे खवातीन को बचाना है। कल 22 नवंबर बाद नमाज जुमा 3 बजे यादगीर में डिग्री कॉलेज से लेकर विधानसभा तक संघ माइक्रो फाइनेंस के नाम से जो खवातीन को परेशान किया जा रहा है इसके खिलाफ एक एहतजाज ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जितने भी यादगीर डिस्ट्रिक्ट के खवातीन संघ से परेशान हैं उनसे और दीगर तमाम यादगीर के पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार जो खवातीन के लिए काम करने की फिक्र रखते हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि कल बाद नमाज जुमा 3 बजे एहतजाज का हिस्सा बनकर खवातीन के हक में सपोर्ट का आप लोग वहां पर मुजाहरा दिखाना बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से लगातार संघ से खवातीन परेशान हो रही हैं, इसको देखते हुए गुलबर्गा से इस मुहिम का आगाज किया गया था। कर्नाटका महिला सुरक्षा समिति के नाम से तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग इससे जुड़कर यहां पर काम कर रहे थे। इसको देखते हुए गुलबर्गा के बाद सेड़म, अलंद, शाहपुर और दीगर जगहों पर एहतजाज हुए हैं। अब यादगीर में कल एहतजाज होने जा रहा है। इसके बाद बीदर में भी बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर काम हो रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं पॉम्पलेट वहां पर प्रिंट कराकर बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन के जरिए एक महीने की मुहिम वहां पर शुरू की गई है। इसका मकसद बस इतना है कि खवातीन को संघ के नाम पर जो लोन देकर परेशान किया जा रहा है उसको उससे खवातीन को बचाना है। तो यादगीर में भी कई हमें कॉल्स वहां पर यादगीर से भी हमें आए हैं। हजारों कॉल्स हमने यादगीर से रिसीव किए हैं। तो जो भी खवातीन संघ से परेशान यादगीर डिस्ट्रिक्ट में है ओवरऑल, उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कल 3 बजे इस एहतजाज का जरूर हिस्सा बने और अपनी वहां पर परेशानियां बताएं। विधानसभा तक की रैली की शक्ल में एहतजाज होगा, फिर विधानसभा में एक मेमोरेंडम सबमिट कर आप तमाम खवातीन के परेशानियों को वहां पर जाहिर किया जाएगा और संघ माइक्रो फाइनेंस के जो रिकवरी एजेंट और ग्रुप लीडर जो भी आपको परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का वहां पर मुतालिबा किया जाएगा। इसका मकसद बस इतना है कि लगातार एक गुलबर्गा में भी एक हिस्टोरिकल एहतजाज हुआ, फिर डीसी गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम मैडम के साथ एक मीटिंग हुई हमारी, वहां पर तमाम माइक्रो फाइनेंस के लोग भी शामिल थे। वहां पर डीसी मैडम ने कई गाइडलाइंस उनको दिए कि ये भी बताया कि मेंटली हरासमेंट नहीं करना है खवातीन को। उसके बावजूद भी डीसी के गाइडलाइंस को यहाँ पर वायलेट करते हुए फिर से दोबारा ये लोग खवातीन के घरों पर जाकर उनको हरासमेंट करने का काम कर रहे हैं। कई कंप्लेंट्स हमें फिर से मिल रही हैं। तो हम माइक्रो फाइनेंस के तमाम इंस्टीट्यूशन के जो जिम्मेदार हैं जो वहां पर मौजूद थे डीसी ऑफिस में, उनको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक आप खवातीन को परेशान करेंगे तब तक हम ये मुहिम को जारी रखेंगे और आपके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और खवातीन के साथ हम हमेशा खड़े हैं। आप लोगों को आपके दायरे में रहकर काम करना है। हमें बार बार आपको बता रहे हैं कि अगर कोई आपका रिकवरी नहीं हो रही है, कोई महिला आपको रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, तो आप उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, जाकर मेंटली हरासमेंट नहीं कर सकते। तो यादगीर में भी एक जो एहतजाज हो रहा है, तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि यादगीर में जरूर इस एहतजाज का हिस्सा बने और इसके अलावा चाहे बीदर हो, रायचूर हो, बेल्लारी हो, तमाम जब जहां भी अगर कोई वहां पे एहतजाज करना चाहते हैं तो उनके साथ हम लोग खड़े हैं, खवातीन के साथ हम लोग खड़े हैं। और इसके अलावा लीगल एडवाइस देते हुए कई हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट से उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है। तो इसको किस तरह से पूरी तरह खत्म किया जाए उस पर भी जरूर आगे काम किया जाएगा। यहाँ पर जो कर्नाटका महिला सुरक्षा समिति है ये टिल द एंड इसको पूरा खत्म करने तक हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। ये हमारा आप लोगों को खुले तौर पर यहाँ पर चेतावनी है कि आप लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं।